नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे स्टॉक पे जो कि राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक है। यहां पे देखिए, कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी। आप ध्यान से देखिए टाइटन को। यहां पे इसकी जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 2,434.70 का अभी करंट मार्केट प्राइस है। देखिए, तेज़ी तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इस स्टॉक ने राकेश झुनझुन जी को एक बहुत ही बड़ा आदमी बना दिया। देखिए, इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड मतलब एक्सीलेंट क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आप देखिए, क्वालिटी एक नंबर की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अभी वेरी एक्सपेंसिव पे ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। वेरी एक्सपेंसिव पे है तो आपको यहाँ पे कैसे ख़रीदारी करना चाहिए, देखिए राकेश झुनझुनवाला भी बताते हैं कि अगर आपको एक वेरी एक्सपेंसिव या ऐसे कुछ अगर लेबल पे ख़रीदारी करना हो तो भी आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे मैं एनालिस्ट की बात करूँ तो लगभग 27 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे अभी भी आपको ख़रीदारी की राय दे रहे हैं, निगेटिव में कोई भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, रिटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, 10 साल में पैसा 2 गुना, 5 साल में पैसा 5 गुना, 4 साल में पैसा लगभग 3.5 गुना, 3 साल में लगभग 179% का रिटर्न है, 2 साल में 87% का रिटर्न है। अगर 1 साल की बात करें तो पूरा 100% का रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे एयरटेल रेट की बात करें तो एयरटेल रेट मतलब 1 जनवरी से लेके यहाँ पे लगभग 55% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करें तो 73% का रिटर्न है, 3 महीने की बात करें तो 35% का रिटर्न है, 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 13% का रिटर्न है केवल 1 महीने में। इतनी गिरावट के बावजूद भी मार्केट गिरा है, करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इतना मतलब करेक्शन होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें मेजोरिटी शेयर होल्डर की तो प्रमोटर के पास है, गिरवे रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की लगभग 43 स्कीमों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, लगभग 4.19% की होल्डिंग लेके। यहाँ पे अगर FIs की बात करें तो 768% की होल्डिंग है, लगभग 19.06% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए, एक राकेश झुनझुनवाला, आप यहाँ पे देखिए उनके पास कितने स्टेक है, 3.8% की स्टेक है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम मैं यहाँ पे प्रमोटर की बात करूँ तो लगभग 52.9% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास है 17.78% की। अगर हम FIs की बात करें तो 19.06% की। इंश्योरेंस की बात करें तो 5.9% की यहाँ पे होल्डिंग है। देखिए, आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, FIs यहाँ पे माल उठा रहे हैं, पिछले क्वार्टर में माल उठाए, म्यूचुअल फंड वाले ने भी माल उठाया, इंश्योरेंस वालों ने भी माल उठाया। देखिए, जो अदर DIs है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किए हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं। लेकिन आपको अगर इतनी अच्छी कंपनी अगर रिटर्न दे रही है, हर साल में पैसा आपका 2 गुना कर रही है लगभग, तो आपको कैसे मतलब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और वो भी अभी वेरी एक्सपेंसिव पे चल रही है। तो वेरी एक्सपेंसिव पे चले और यहाँ पे 27 लोग यहाँ पे आपको खरीदारी करने के भी राय दे रहे हैं। तो देखिए, जब भी अगर वेरी एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव पे रहता है तो आपको लगभग 25-30% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप जहाँ पे आप 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे 25-30% इन्वेस्ट करिए, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो 60-70% इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। जो रिटेल निवेशक मतलब ऐसे नॉर्मल है, वो बस खाली इतना ही इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट वो ना करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाए वैसे वैसे अपना जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ाते जाएं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि अगर जब भी मार्केट करेक्शन होने में रहता है या स्टॉक गिरावट में रहता है तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो के निकल जाते हो आप, बस आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।